हेलो फ्रेंड्स, आज कोर्स ऑफ हम हेस्टन 720 ड्रोन का अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सा एसेसरीज है और इसके अंदर कौन कौन सा फीचर्स है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये जो आप ड्रोन देख रहे हो, ये डुअल कैमरा के साथ साथ फोल्डेबल भी है। इसे हैंग करने के लिए हमें कुछ इस टाइप का मिलता है और इसे हम ओपन करते हैं। इसे ओपन करते ही सबसे ऊपर आप देख सकते हो ये दो पेपर है। एक में इसे किस तरीके से हमें रिमोट से कंट्रोल करना है वो दिया गया है और दूसरे पेपर में हमें एक ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल से इसे फ्लाई भी कर सकते हो और उसे उससे वीडियो फुटेज भी ले सकते हो। और इसके साथ साथ हमें कुछ एसेसरीज मिलता है, जैसे कि प्रोपेलर गार्ड, प्रोपेलर और एक यूएसबी केबल। ये देख रहे हो, ये यूएसबी केबल है जिससे इसका बैटरी चार्ज होता है और ये चार प्रोपेलर गार्ड है। इस प्रोपेलर गार्ड को लगा के आप अपने ड्रोन को सेफ में फ्लाई कर सकते हो। दो प्रोपेलर है और इसे टाइट करने के लिए, इसके प्रोपेलर को चेंज करने के लिए ये स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है और इसके ऊपर ये लगाने के लिए हमें चार मिलता है। इसे लगाने के बाद ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इसीलिए ये हमें मिलता है। इस ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए इस ड्रोन के साथ साथ एक रिमोट दिया गया है और इसके ऊपर आप देख रहे हो ये एंटीना टाइप का है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, ये वैसे ही दे दिया गया है। और इसके पीछे हमें तीन बैटरी लगाना होता है, 3AA बैटरी, जो आपको नहीं मिलेगा, ये खुद से लगाना पड़ेगा आपको, ये कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है। यहाँ पर ये मेन स्विच है, उसके बाद कुछ और स्विच है यहाँ पर फाइन मोड के लिए, अल्टीट्यूड होल्ड के लिए और बहुत सारा बटन है, आप वहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए हम अब ड्रोन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप इसका प्रोपेलर देख सकते हो, ये बहुत ही लचीला है, ये कभी भी टकराता भी है तो ये जल्दी नहीं टूटता है, इसीलिए इसका जो प्रोपेलर है वो लचीला बनाया गया है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे फोल्ड होता है। ये आगे की तरफ कुछ इस तरीका से ये फोल्ड हो जाता है और ये फोल्ड होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप देख रहे हो। आप इस डुअल कैमरा ड्रोन को आसानी से फोल्ड भी कर सकते हो और अनफोल्ड भी कर सकते हो। तो चलिए इसे हम अनफोल्ड कर देते हैं और जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सा फीचर दिया गया है। इसका जो ये मेन बटन है, इसे आप थोड़ा देर प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। और इसके हर एक मोटर के नीचे बल्ब दिया गया है, दो रेड और दो ग्रीन कलर का, और इसके सामने में दो रेड कलर का बल्ब दिया गया है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। और इसके साथ हमें दो कैमरा मिलता है जो कि इसके वाईफाई से ये कंट्रोल होता है। यहाँ पर एक कैमरा है जिसे आप इसे पोजिशन भी कर सकते हो ऊपर नीचे, और नीचे में एक दूसरा कैमरा है और ये वाईफाई का एंटीना है, ये इसी से अपने मोबाइल से कनेक्ट होगा। यहाँ पे भी एक LED दिया गया है जो कि आगे आगे इस तरीका से जलता है जिससे कि वो आगे पीछे चल रहा हो। चलिए मैं आपको इसके रिमोट से थोड़ा चला कर दिखाता हूँ ये किस तरीका से ये कंट्रोल होता है। सबसे पहले इसके रिमोट को प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, फिर इसके नोब को एक बार ऊपर नीचे करोगे एक से दो बार, या फिर थोड़ा देर के बाद एक ही बार करोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब धीरे धीरे इसे ऊपर करोगे तो इसका स्पीड बढ़ेगा और ये फ्लाई करना शुरू कर देगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ आप अपने मोबाइल से कैसे आप इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाके जब आप इसे स्कैन करोगे तो एक एप्लीकेशन आएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च करना GOSKY तो एक एप्लीकेशन आएगा, उसे आप इंस्टॉल कर लेना। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा है। उसके बाद हम चल जाएंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और हम वाईफाई को ऑन करेंगे। वाईफाई को ऑन करने के बाद यहाँ पर एक वाईफाई आएगा जो कि आपका ड्रोन का रहेगा, उसका नाम है HT720P। इसे हम अपने मोबाइल से अपने ड्रोन से कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो चुका है और इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेगा, हम प्ले बटन को जब प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और खुद ब खुद ये इसका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और ये इस तरह का दिखेगा। आप इसका वीडियो फुटेज देख सकते हो, ये बहुत ही धुंधला दिख रहा था। चलिए अब मैं इसे फ्लाई करके दिखाता हूँ और इसके लास्ट में मैं आपको इसका वीडियो फुटेज दिखाऊंगा। जब थोड़ा दूर से जब इसका वीडियो फुटेज लिया जाता है तब थोड़ा ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब इसके बहुत ही नज़दीक से फोटो लेते हैं तो वो बहुत ही ख़राब आता है। इस ड्रोन को मैंने अमेजन से मंगाया 4500 में और ये बहुत ही अच्छा से काम करता है। इसके ड्रोन में और इसके रिमोट में कोई लैग नहीं है, रिमोट से ट्रिगर करते ही ये एक्शन करना शुरू कर देता है, यानी कि अच्छा से काम करता है। लेकिन ये जो ड्रोन देख रहे हो, इस ड्रोन का जो कैमरा का क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है, इसलिए यदि आप कैमरा के पर्पज़ से ड्रोन लेना चाहते हो तो आप ये ड्रोन को मत लेना। और इससे इसके द्वारा अभी जो ये ड्रोन फ्लाई कर रहा है और इसके द्वारा जो वीडियो लिया गया है उस वीडियो को मैं इसके लास्ट में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि इसका वीडियो का जो क्वालिटी है, इसका कैमरा का क्वालिटी कैसा है, उसी वहीं से आपको पता चल जाएगा। इस ड्रोन से पहले हम तीन और ड्रोन का अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, लेकिन इसमें जो सेंसिटिविटी है यानी कि रिमोट से जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही अच्छा से होता है। लेकिन इस ड्रोन को हम फ्लिप करने का बार बार कोशिश किए लेकिन ये फ्लिप नहीं हो पा रहा है। इसमें फ्लिप करने का फीचर्स दिया गया लेकिन ये फ्लिप नहीं होता है। इस ड्रोन में एक और फीचर दिया गया है अल्टीट्यूड होल्ड का, लेकिन ये अल्टीट्यूड होल्ड ठीक से नहीं होता, एक जगह ये नहीं स्थिर रहता है, ये हल्का हल्का हिलते रहता है और ये जरा भी हवा आता है तो वो उसे झेल नहीं पाता है और ये आगे पीछे करने लगता है।
और वैसे ही अल्टीट्यूड होल्ड ठीक से नहीं होता ये, और ये आप इसका वीडियो फुटेज देख सकते हो। यही इसका वीडियो फुटेज है, इस ड्रोन के कैमरा से जो वीडियो फुटेज लिया गया था वो यही इसका वीडियो है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हिलते रहता है, जिसके कारण आप सही से फोटो तो नहीं ले पाओगे और आपको वीडियो फुटेज भी सही से नहीं आ पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करना। धन्यवाद।